सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज का जो टॉपिक है, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, हाउ टू क्रिएट हनुमान वीएफएक्स इन ब्लेंडर। तो चलिए मैं आपको पहले रिजल्ट ही शो करवा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वीडियो को आगे तक देखूँ या ना देखूँ। सो हियर इज द रिजल्ट। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे एंड जो सीन है पूरा उसको रिक्रिएट करते हैं जीरो बजट के अंदर। पहले जो एक क्यूब है इसको आपको डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर जो ये प्लेन है डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर ऐड करना है एंड यहाँ पर आप क्विक्सेल मेगा स्कैन से कोई भी आपको टेक्सचर्स वगैरह जो भी अच्छे लगते हैं आप उसमें यूज कर सकते हो, आपके अगर अकॉर्डिंग है जो भी आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए ये जो टेक्सचर है ये मैंने यहाँ पे टेक्सचर को यूज़ किया है। थोड़ी सी स्कल्प्टिंग वगैरह कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीन है वो पहाड़ पर जाकर मैं खड़ा हो रखा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ मैंने थोड़े से रॉक्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने इसमें ग्रास का पार्टिकल सिस्टम अप्लाई किया है। ग्रास में मैंने हेयर का किया है, हेयर पार्टिकल सिस्टम, बिकॉज जो हमारी जमीन है उस पर ग्रास है वो टच होनी चाहिए मतलब एंड ऊपर से मूव करनी चाहिए। अब जब मूव कराने की बारी आती है तो मूव के अंदर मैंने यहाँ पे टर्बुलेंस फील्ड का यूज़ किया, फोर्स फील्ड का, एंड उसको थोड़ा सा रोटेट वगैरह कर दिया, एनिमेट कर दिया ताकि हर जगह से एयर वगैरह आए, हर जगह से वो मूवमेंट वगैरह हो। ठीक है, एयर नहीं आ रही, सिर्फ ये टर्बुलेंस स्पीड है, टर्बुलेंस इफेक्ट है, एयर नहीं है इसके अंदर भी। कुछ साथ ही साथ और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स एंड यहाँ पे जो ग्रास के जो छोटे छोटे तिनके वगैरह उनके भी पार्टिकल्स वगैरह वहाँ पर मैंने इसको ऐड किए थे पार्टिकल सिस्टम में। वो इसलिए करे थे क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए सीन को, ताकि क्योंकि हेलीकॉप्टर आ रहा है तो सीन में जो भी है इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं पार्टिकल्स वगैरह वो मूव होनी चाहिए। एंड इसके अंदर जो मैंने फोर्स फील्ड अप्लाई करी थी वो की थी मैंने वर्टेक्स फोर्स फील्ड। ये जो वर्टेक्स फील्ड क्या करता है कि ताकि टोर्नेडो इफेक्ट लाता है, लाइक ऐसे चारों तरफ से घूमेगा वो वाला इफेक्ट है। अब हमने इतनी ज्यादा हेलीकॉप्टर की बात कर ली तो एक 3D मॉडल इंपोर्ट कर ही लेते हैं हेलीकॉप्टर का। आप स्केच फैब ब्लेंडर किट दोनों ही वेबसाइट से कर सकते हो, दोनों के एडऑन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप इजिली दोनों में से एक्सपोर्ट करो। मेन जो चीज आती है वो आती है इनके फैन को रोटेट करना, एनिमेट करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर लेना। देन उसके बाद इनका ही आप डुप्लीकेट करना एंड यहाँ पर अलग अलग साइड पे आप इनको यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे आपके सीन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह आप कर देना एज यू विश, जैसा आप चाहते हो। अब बैक में काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, देन उसको फिल करने के लिए सिंपल है कि आपको माउंटेन्स वगैरह ऐड करने पड़ेगा। आपको क्विक्सेल मेगा स्कैन सॉफ्टवेयर के अंदर दोबारे जाना है आपको एंड देन यहाँ पर क्या करना है, आपको माउंटेन्स वगैरह आप लिखोगे तो वहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स वगैरह पत्थर्स आ जाएंगे, आप उनको एज अ माउंटेन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने भी सेम ऐसे ही किया, डुप्लीकेट वगैरह करा, देन एक को छोटा एक को बड़ा डेप्थ देने के लिए आगे यूज़ कर लिया। अब जो हमारा सीन है वो तो रेडी हो चुका है बट ये काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है। अब फीका फीका लग रहा है तो इसमें क्या चीज़ की कमी है, मेन बात है जो कि है लाइटिंग। लाइटिंग आपकी जो सीन है उसको डेप्थ देता है, काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देता है। आप अब इसमें लाइटिंग ऐड करने के लिए सिंपल है, आपको HDRI डाउनलोड करना पड़ेगा, आप एक कोई इमेज वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ HDRI पे, क्योंकि HDR 360 इमेजेस होती है जो चारों तरफ से आपको इक्वल दिखाई देगी, मतलब कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो HDRI डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैंने अपनी सीन के लिए पर्सनली मैंने थोड़ा सा इवनिंग वाला HDRI यूज़ किया था। अब इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा बेटर लुक आया, अगर मैं और कोई HDRI यूज़ करता मे भी शायद अच्छा लुक आ जाता, बट मेरे को जो सीन में मेरे को चाहिए था, जो मेरे माइंड सेट था मेरा, वो इवनिंग वाला था, सो मैंने इवनिंग का यहाँ पे HDRI वगैरह यूज़ कर लिया। अब मेरे को थोड़ा सा इसको लो में दिखाना था, मतलब नाइट शिफ्ट में दिखाना था, तो मैंने इसका जो इंटेंसिटी है इसको थोड़ी सी कम कर दी। अब कम कर देंगे तो लाइट वगैरह वैसे ही कम आ जाएगी, तो नॉर्मली डे का इवनिंग और इवनिंग का आप मॉर्निंग वगैरह बना सकते हो ईजिली। सन वगैरह ऐड कर लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शंस वगैरह हमारे पास आ जाए। अब सबसे मेन टॉपिक ये है कि आप अपने आप को ब्लेंडर के अंदर ये जो 3D एनवायरनमेंट जो भी हमने बनाया है इसके अंदर कैसे रखें। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको अपने आप को ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए पंखे वगैरह चला लेना, और हाँ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके 3D एनवायरनमेंट में जहाँ से लाइट आ रही है ना वहाँ पर ही आप अपना सॉफ्ट लाइट या फिर रिंग लाइट वगैरह वगैरह, मैंने यहाँ पे अपनी रिंग लाइट का यूज़ किया था, वो आप रख सकते हो वहाँ पे ताकि रियलिस्टिक थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लुक आए कि आप वहीं पे सन है और वहीं पे ही आपने लाइट वगैरह रखी है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको अपने आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देन इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको पहले तो आपको मार्क्स आउट करना है, ठीक है, एक रफली एक मार्क्स बना लेना, देन जो मार्क्स बचेगा देन उसमें जो ग्रीन कलर है उसको आप की लाइट से थ्रू आप वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो, अच्छे से रिमूव कर लेना। देन उसके बाद आपको ये जो फाइल फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। देन एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है एंड यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस के इमेज एज अ प्लेन के अंदर आपको वो इमेज को ले लेना है, आपकी वीडियो को वो पूरा सीक्वेंस होगा उसके अंदर, एंड जहाँ पे भी आप चाहते हो वहाँ पर उसको पेस्ट कर देना, लगा देना
एंड अपना कैमरा वगैरह को एडजस्ट करने के बाद रख लेना अपना जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अपनी इमेज पे रख लेना या फिर अपने हेलीकॉप्टर पे रख लेना, आपके ऊपर डिपेंड है कैसा रखना चाहते हो आप। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईवी में कैसा दिख रहा है और साइकिल में कैसा दिख रहा है। ईवी में आपका जो सीन है वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे शो होगा। इसमें जब बूम्स और रिफ्लेक्शंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, बट जो रियल टू क्लोज है वो आपका हमेशा साइकिल के अंदर आता है। साइकिल में भी बेस्ट रिजल्ट है आपको, यहाँ पे आप कमेंट करके बता देना कि आपको ईवी में ज़्यादा अच्छा लगा या साइकिल में ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं दोनों में ही आपको रेंडर्स वगैरह दिखाऊंगा। तो फर्स्टली क्या करते हैं, ईवी के अंदर मैं आपको 4K रेंडर्स वगैरह निकाल देता हूँ एंड साइकिल में भी आपको 4K रेंडर निकाल देता हूँ एंड लास्ट में जो आप रेंडर्स वगैरह देखोगे वो 2 रेंडर होंगे। सो कमेंट में बता देना आपको कौन सा रेंडर ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कोई और प्रॉब्लम आती है कि इस सीन को बनाने में तो आप सिंपली मुझे इंस्टा पे DM वगैरह कर सकते हो, मैं इजीली आपको रिप्लाई वगैरह वहाँ पे दे दूँगा। अगर आपको कोई ऐड ऑन की जरूरत है तो वहाँ भी आप मैसेज करके मुझसे मांग सकते हो, जैसे AE2 ब्लेंड का ऐड ऑन है, काफ़ी लोग वगैरह मुझसे मांगते हैं और मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करता हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी VFX का ब्रेक डाउन करते हुए या फिर खुद का ही कोई नया VFX बनाते हुए। तब तक के लिए बाय। वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आपके जैसे VFX या फिर आपसे भी अच्छे VFX वगैरह कहाँ से बनाए, कोई कोर्स वगैरह किया था क्या आपने या फिर आप हमें कोई पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो क्या। सो पर्सनल ट्रेनिंग तो मैं सर अपने इंस्टीट्यूट में देता हूँ जहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों के इतना बोलने के बाद मैं अपना एक कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है एडवांस प्लस VFX। इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी VFX के अंदर टेक्निक्स वगैरह यूज़ होते हैं, जितने भी VFX की शॉट्स वगैरह, उन सबको रिक्रिएट करेंगे एंड इस जो भी हमारा जो कोर्स है, जो भी हमारा ये मॉड्यूल है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे वो होंगे हमारे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर। 4 सॉफ्टवेयर हैं और वो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। इसके अंदर मेरी 27 प्लस प्री रिकॉर्डिंग सेशंस वगैरह होंगे एंड प्लस में आप लाइव सेशंस वगैरह भी मेरे ले सकते हैं जिसमें आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। सो मेरे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ईजिली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको और ज़्यादा जानना है कोर्स के बारे में, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या चीज़ आप कवर करोगे, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा माय कोर्स नाम से एंड वहाँ पर आप पूरा का पूरा वेबसाइट चेक कर सकते हो जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखी है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, कितने प्री रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ पर मिलेंगी, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगे, कॉन्सेप्ट आर्ट से लेके आपके फुल VFX तक सारी की सारी चीज़ें हम उसमें कवर अप करवा देंगे। जस्ट लाइक मेरा भी ये पैशन है VFX वगैरह बनाना, जैसा मेरा कोई ऐसा जो पैसे के लिए नहीं करता मैं ये सारी चीज़ें, बट हाँ मेरा पैशन है और इसी चीज़ से मुझे मनी भी मिल जाती है, तो मेरे लिए तो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है और मुझे इस चीज़ में मज़े भी आते हैं। सो सिंपल है चीज़ें। अगर आप और ज़्यादा जानना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट वगैरह कर सकते हो। एंड हाँ, स्पेशल डिस्काउंट है फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए, आपके लिए हम उसमें 10% का डिस्काउंट रख रहे हैं। तो सिर्फ फर्स्ट 50 मेंबर्स हैं और ये जो कोर्स है वो लॉन्च होगा 5 फरवरी को। सो तैयार रहना, उससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बना के दूंगा कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखोगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी VFX का ब्रेक डाउन करते हो या फिर अपना ही कोई VFX का शॉर्ट्स बनाते हो। तब तक के लिए बाय। फॉलो करिए रेवा डायट्रिक्स को और नए नए VFX के शॉर्ट्स बनाना सीखिए।